हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनीता मैम। यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं जो है कि कक्षा 8 के बच्चों को विषय हिंदी में वीणावादिनी वरदे नामक पाठ जो है वंदना है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको करने से पहले मैं व्याख्या आप लोग को बताऊँगी। उसमें जो है करने से पहले सबसे पहले आप लोग संदर्भ लिख लेंगे, जो कि मैंने आप लोग को पहले से ही बताया है। उस एक बार सुन लीजिए, संदर्भ है, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्य है ये, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वीणावादिनी वरदे नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हाँ, फिर उसके बाद आप लोग इसमें प्रसंग डालेंगे। प्रसंग में जो है कि इसमें कवि ने जो है कि वीणावादिनी, जो वीणा को बजाने वाली सरस्वती माता जी हैं, उनसे अपने अंदर के अज्ञानता को दूर करके प्रकाश भरने की कामना की है। एक लाइन कह जाएगा, फिर आप लोग व्याख्या करेंगे। इसमें है वरदे, वीणावादिनी वरदे, वरदे मतलब वरदान दीजिए, वीणावादिनी मतलब वीणा को बजाने वाली सरस्वती माता जी हमें यह वरदान दीजिए। इसमें कहेंगे, इसमें कवि कहते हैं कि हे बीड़ा को बजाने वाले सरस्वती माता जी, आप हमें यह वरदान दीजिए। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो प्रिय स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाले, रव मतलब होता है ध्वनि, अमृत मंत्र जो अमृत की तरफ ले जाए, ऐसी ध्वनि को भारतवासियों में भर दीजिए। तो हे माँ सरस्वती माँ, हम सभी भारतवासियों में अमृत की तरफ ले जाने वाले ऐसे कल्याणकारी मंत्र की ध्वनि को सभी लोगों में भर दीजिए। हे सरस्वती माता, हम सभी भारतवासियों में अमृत की तरफ ले जाने वाले ऐसे कल्याणकारी मंत्र को भर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद है काट अंध उर के बंधन स्तर, काट दीजिए, अंध मतलब अंधकार, उर मतलब हृदय के बंधन, जो अंधकार के बंधन स्तर हैं। तो यहाँ से इसका अर्थ देखेंगे, हे माँ हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार के बंधन स्तर है उसको काट कर समाप्त कर दीजिए, अर्थात उसे खत्म कर दीजिए। बाहर जननी ज्योतिर्मय निर्जर, उसमें ज्ञान की ज्योतिर्मय ज्योति को बहा करके उसे निर्जर कर दीजिए, जो ज्योति है उसमें ज्ञान भर करके उसे ज्योतिर्मय निर्जर कर दीजिए। कलुष भेद तम और प्रकाश भर दे, और कलुष मतलब मलिनता पाप, ठीक है, मलिनता पाप। तम मतलब होता है अंधकार को हर, हर कर मतलब दूर करके उसमें प्रकाश भर करके उसे ज्योतिर्मय, उसे जगमग कर दीजिए, उसे प्रकाशित कर उसे संसार में। यहाँ जगमग मतलब जगमग कर, जग मतलब संसार में प्रकाशित कर दीजिए। तो इसका अर्थ फिर से देख लिए, हे माँ सरस्वती हमारे हृदय के अंदर के अंधकार के बंधन स्तर को काट कर उसे समाप्त कर दीजिए, और उसमें ज्ञान की ज्योति भर कर उसे ज्योति में निर्जर कर दीजिए। मलिनता पाप भेद, जो मलिनता और पाप है अंधकार है उसे हर कर मतलब उसे दूर करके उसमें प्रकाश भर उसे जगमग पूरे संसार में जगमग कर दीजिए। फिर यहाँ से नव गति, नव मतलब नई गति, नव लय नया लय, नया ताल नया छंद नई नए कंठ नव जगत, नए बादलों की मंद्र गंभीर ध्वनि को नव नव, नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को नया पंख और नया स्वर दीजिए। यहाँ से ऊपर से इसका अंक देख लीजिए, नई गति मतलब यहाँ से कहेंगे हे माँ नई गति, नया लय नया ताल नया छंद नए कंठ
कंठ मतलब आवाज, नए कंठ नए आवाज और नए बादलों की गंभीर ध्वनि को और नए आकाश के पक्षियों के समूह को नया पंख और नया स्वर वरदान कीजिए। अर्थात हम सभी मनुष्यों के अंदर से जो अज्ञानता का अंधकार है उसे समाप्त कर उसमें प्रकाश भर दीजिए। यहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह समाप्त होता है।